हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र चोपड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ रविंद्र इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार में। तो आज हम अनबॉक्स करेंगे जेस्का का न्यू MP5 प्लेयर, जो नॉन एंड्रॉयड है मगर मिरर कास्ट फंक्शन इसमें सपोर्टेड है। आप इसके अंदर इसके सारे फंक्शंस देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपकी टच स्क्रीन है, फुल डिजिटल पैनल के साथ है। आपको FM के चैनल सभी चैनल मिल जाते हैं। 5 टाइप इक्वलाइज़र है आपके सामने, सभी इक्वलाइज़र के ऑप्शंस हैं। इनबिल्ट ब्लूटूथ है, यानी कि ब्लूटूथ भी इसके अंदर ही है, और इनबिल्ट USB और SD कार्ड स्लॉट है। आप दो दोनों चीज़ें ही चला सकते हैं, चाहे वह ब्लूटूथ हो चाहे वह USB SD कार्ड, सब चला सकते हैं। अब आपके पास इसके साथ एक रिमोट मिलता है, और आप इसमें अपना बैक कैमरा भी कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हैंड ब्रेकिंग फंक्शन, यानी कि आप अपने व्हील को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और रिमोट कंट्रोल, स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल भी और रिमोट भी, सभी वर्क करते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। फुल टच पैनल में है, मिरर लिंक फंक्शन सपोर्टेड है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, आज देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो जैसे हम इसको खोलते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास इसका वारंटी कार्ड मिल रहा है। तो वारंटी कार्ड के अंदर सारी डिटेल आपने भरनी है, और ये आपकी कंपनी जेस क्यू काफ़ी कुछ बनाती है। तो ये वारंटी कार्ड है। इसके बाद हमारे पास आ रही है ये स्क्रीन। थर्माकोल से अच्छी तरह से इसको लपेट के रखा है ताकि शिपिंग में ब्रोकन ना हो। और साथ में इसके साथ हमें मिल रहा है ये दो वायर और इसका मैनुअल, इसके फंक्शंस को समझाने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, वायर की क्वालिटी तो अच्छी है। ये इसकी वायर स्पीकर वायर है, आप स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये वायर आई हमारी नॉर्मल पावर वायर, व्हील वायर, सही है। तो ये भी हम यहाँ रखते हैं। इसके बाद हमें यहाँ मिलता है इसका मैनुअल, ऑपरेशन मैनुअल, जिसके अंदर सारी सेटिंग के बारे में आपको बताया होगा कि कैसे आपने क्या ऑपरेट करना है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कैसे करनी है, या ये सारी वायर का डायग्राम इसके अंदर दिया हुआ है, रिमोट के फंक्शंस बताए हुए हैं, बाकी जो आपके फ्रंट पैनल में जो फंक्शंस हैं वो बताए हुए हैं, कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ आप कैसे कर सकते हैं, सब चीज़ें इसके अंदर क्लियर की हुई है। तो हम सेट की तरफ बढ़ते हैं। सेट को काफ़ी अच्छी तरह पैक किया हुआ है, जस्ट अ मिनट से इसे सेट कर देते हैं ताकि अच्छा स्पेस बन जाए। तो यहाँ पर देखेंगे, इन्होंने अपनी यहाँ पर ब्रांडिंग भी की हुई है। इसको एक कवर लगा रखा है ताकि स्क्रीन गंदी ना हो। तो यहीं पे हमें सामने स्क्रीन में ही पैनल पे ही USB ऑप्शन मिल रहा है, ऑक्स ऑप्शन मिल रहा है, माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, और यहाँ पर हम माइनस, प्लस, और ये पावर माइक भी इनबिल्ट है, और यहाँ से हम इसको रीसेट कर सकते हैं। तो ये इसकी 7 इंच की स्क्रीन है, अच्छी कैबिनेट में है। यहाँ पर इनका जो है सील लगा हुआ है ताकि अगर कोई इसे ओपन कर देता है तो वारंटी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ इसकी बैक साइड है, आप देखेंगे कि जैसी इसकी वायर उसी तरीके से इसको इसकी बैक साइड दी हुई है। यहाँ पर आप कपलर टू कपलर के हिसाब से, मेल फीमेल के हिसाब से इसको लगा के अपनी कार में आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो पीछे ही एक ऑडियो इन का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एम्पलीफायर आराम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और ये आपका एंटीना हो गया, यहाँ पर आप अपना एंटीना लगा सकते हैं। तो दोस्तों प्रोडक्ट तो अच्छा है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें और बढ़िया वीडियो बनाने का मौका मिलेगा। और मैं फिर एक बात आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी मैं इसको अनबॉक्स किया है, अगली बार मैं इसको चला के इसके ऑपरेटिंग सिस्टम, जो जिस तरीके से ये ऑपरेट हो रहा है, क्या क्या फंक्शन है, उन सब फंक्शनों की बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो उस वीडियो की लिंक आपको तुरंत आपके फ़ोन पे मिल जाए, ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी देख सकें। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।